हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में वीक नम फंक्शन के बारे में। थोड़ा आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि वीक नम फंक्शन एक्चुअली एक्सेल में क्या काम करता है। अब जैसे यहां पर मैंने एक जनवरी 2020 मंथ का पूरा यहां पर डेट ले रखी मैंने, फ्रॉम 1 जैन से लेकर 31 जैन तक। तो ये जो फंक्शन है ये करता क्या है कि हमें उसका वीक वाइज काउंट दे देगा कि इस मंथ में टोटल कितने वीक पड़ेंगे। ठीक है, अब ये डेट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर काउंट निकाल के देगा कि इसका जो है कि ये सपोज करो अगर यहाँ 1 से लेके 7 तक की डेट है तो यहाँ पे बताएगा, हमारा रिजल्ट दिखाएगा कि 1, और यहाँ से अगर 8 से लेके हम यहाँ तक काउंट करेंगे 14 तक तो ये बताएगा हमें सेकेंड वीक। तो इस तरह से हमें ये उसका रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देगा। तो चलिए सीखते हैं फिर इस फंक्शन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वीक नम, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर हमें हमारा कौन सा है, हमें जिस डेट का जानना है तो हमारा ये रहा। अब सिंपली हम इसको यहाँ इंटर प्रेस करेंगे और इसको पूरा ड्रैग करके पूरा कॉपी कर लेंगे। तो ये फंक्शन हमने यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर चेक करते हैं कि इसने ये काम किया कि नहीं किया सही से। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेके जबकि इसको यहाँ तक रिजल्ट देना था 1, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीक यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, और फिर 8 से इसने यहाँ बताना था हमें 14 तक सेकेंड वीक। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है हमारा सही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर डेट ले रखी है 1 जैन 2020, तो उस दिन का डे कौन सा है, तो वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाऊंगा, तो हम डेट देखेंगे। यहाँ पर जैन का हमने ले रखा है तो हम यहाँ जैन देखेंगे। तो यहाँ पर जो डेट है 1 तारीख को वह है वेडनेसडे। तो उसके लिए हम यहाँ पर वेडनेसडे को सिलेक्ट करेंगे। अब हम कैसे करेंगे उसको, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉमा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ कॉमा यूज किया तो देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर वीक सारे डेज के नाम यहाँ आएंगे, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, संडे से लेके मंडे तक के सभी डेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी हमने यहाँ चेक किया तो हमारा जो 1 तारीख को डे था वो कौन सा था, वो था वेडनेसडे। तो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे ये वाला 13 और यहाँ पर इंटर हम प्रेस कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको ड्रैग करके देखते हैं कि अभी क्या रिजल्ट ये सही दिया कि नहीं दिया इसने। इसको मैंने पूरा कॉपी कर लिया। तो चलिए अब दोबारा चेक करते हैं इसको एक बार। तो अभी ये देखिए 1 से लेकर 7 तक यहाँ तक बिल्कुल सही है। इसने बताया कि 1 से लेकर 7 तक का जो वीक का जो काउंट है, नंबर है, वो है 1 वीक। और यहाँ से अगर हम 8 से कैलकुलेट करें इसको यहाँ तक 14 तक, तो उसने बताया कि यहाँ पर सेकेंड वीक स्टार्ट हो गया है। और 15 से लेके 21 तक इसने बताया कि ये जो वीक है ये है हमारा थर्ड वीक। और फिर 28 तक इसने बताया कि यह है फोर्थ वीक। अब यहां से फिफ्थ नाइन्थ, अगर हम इस डेट को अगर कंटिन्यू करें आगे, अगर मैं इसी को अगर ड्रैग करूं तो फरवरी स्टार्ट हो गया है। तो इसको मैं ड्रैग करूं अगर आगे तक, यहां तक मैंने ले लिया। अब मैं इसी फंक्शन को कॉपी करता हूं नीचे तक, यहां तक मैंने ले लिया इसको। तो अभी यहां देखिए, अभी यहां पे क्या है, ये देखिए यहां तक इसने बताया कि ये फिफ्थ वीक स्टार्ट हो गया यहां तक। अब ये क्या है, इसी को ही कैलकुलेट करके आगे चल रहा है। अब ये वाला जो 5 फरवरी से लेके 11 जो डेट है यहां तक इसने बताया कि 6 वीक। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैंने डेट को आगे ड्रैग किया या आगे मैंने कोई डेट इंटर किया तो उसी तरह ये देखिए वीक वहां पर बता रहा है हमें। तो देखिए ये जनवरी से लेके मैंने अभी जो बताया है ये बताया मैंने 22 मार्च तक। तो इसने सभी का यहाँ पर हमें वीक नंबर निकाल के दे दिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह ये फंक्शन एक्सेल में काम करता है। तो आप भी इसी तरह से इस फंक्शन को यूज करके आप कोई भी डेट है आपके सामने तो उसका वीक नंबर निकाल सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।